बन रही, मैं अगर तुम्हारे चैनल में हो सना। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मेरे घर पे शादी है और अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी नाश्ता वास्ता भी सब कुछ हो चुका है हमारा। और अभी देखो आज शादी है तो सब लोग यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये मेरी हीना खाला है और ये मेरी मम्मी है जो कि हेयर स्टाइल बनवा रही है। और देखो सब लोग रेडी हो रही है, देखो मेरी छोटी बहन रेडी भी हो चुकी है और ये भी हो चुकी है रेडी। और अभी वहाँ पे दूल्हे जो है वो भी रेडी हो रहे हैं और अभी मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। तो गाइस मैं भी रेडी हो चुकी हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मेरी खाले भी हो चुकी है, बस थोड़ा सा उनका बाकी है। और मेरी मम्मी भी हो चुकी है, ये देखो मेरी मम्मी का हेयर स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो मेरी बहन भी हो चुकी है, अभी हम लोग कुछ टाइम बाद बारात लेके जाएंगे। गाइस हम लोग ये भी उड़ाएंगे वहाँ पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं तैयार, नीचे देखो हम तैयार हो चुके हैं। ये देखो ये घोड़ा है, दुश्मन को भी अपने सीने आगे एकदम वो देखो। और यहाँ पे सब लोग भी चल रहे हैं और यहाँ पे मैं और मेरी फातिमा खाला हम लोग साथ में चल रहे हैं और एकदम बार भी लग रहे हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं मस्जिद, ये देखो मेरे पूरे फैमिली लोग हैं, ये देखो यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे मेरी मम्मी भी है, यहाँ पे मेरी बहन भी है और ये भी है। अभी हम लोग जाएंगे मस्जिद, फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी पकड़ के जो यहाँ पे दुल्हन का घर है गोरखपुर में वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे मेरी खाला भी है, मम्मी भी, मतलब हम पूरी फैमिली ना ये वाले गाड़ी में बैठे हैं। अभी हम लोग गाड़ी पे बैठे हैं, देखो मम्मी भी है और बहन और ये बार्बी गर्ल। हम लोग को भूख लगा था तो इसके लिए हम समोसा मंगवाए हैं, ये देखो यहाँ पर समोसा खाइए, बहुत ज़्यादा भूख लगा था। ये देखो गाइस यहाँ पे कितना अच्छा खेत है और यहाँ पे गाना भी बज रहे हैं, ये देखो कितना मस्त है यहाँ पे। ये कौन सा पेड़ है, क्या पता कौन सा पेड़ है, आम का पेड़ है सर पूरा। ये देखो बगीचा है पूरा ये आम का। और अभी वो देखो यहाँ पे पूरा बेफलो लोग हैं, यहाँ पे भी देखो। और अभी हम लोग को गोरखपुर जाना है जो कि अभी बहुत दूर है, कम से कम 2.5 घंटे तो लगेगा ट्रैवलिंग को। और अभी देखो यहाँ पे बाहर इतना अच्छा सीनरी है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं अंदर और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये देखो ये हमें रसमलाई मिला है और ये तो कुछ सीरनी टाइप का वो मिला है। ये देखो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरी मामी भी बैठे हैं यहाँ पे सब लोग। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी जस्ट कुछ 5 मिनट हुआ हम लोग यहाँ पे आके। अभी हम लोग का रसमलाई खा के हो चुका है और देखो यहाँ पे चाउमीन भी आया है, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे और साथ में चाट भी है खाने को। और अभी हम लोग सब लोग बैठे, ये देखो ये सब लोग भी हैं वहाँ पे।
अभी हम लोग का वो चाट और चौमिन खा के भी हो चुका है और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, तो उसके लिए देखो प्लेट भी आ चुका है। ये देखो यहाँ पे सलाद भी आ चुका है और ये मेरा है थोड़ा सा खाना, क्योंकि पेट पूरा भर चुका है हम लोग का। अभी हम लोग खाना खा के हो चुका है और पूरा पेट फुल हो चुका है हम लोग का, तो अभी हम थोड़ा राउंड बिन मारेंगे। पपैया भी है और मेरी मम्मी यहाँ पे खाना खा रही है अभी तक, ऑलवेज लेट पर्सन। छत है ना जहाँ पे हम बैठे खाना खा रहे थे, वो पीछे का सीन है, यहाँ पे देखो इतने अच्छे से खेत है। और ये जो है ना टेंट, वहाँ पे पूरे बॉयज़ लोग का डिपार्टमेंट है और गर्ल्स लोग ना छत पे रहेंगे, बॉयज़ लोग का यहाँ पे। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, सो अभी ये देखो अभी जो रस्म होता है ना, जो रस्म होता है माला पहनाते हैं और तोहफा देते हैं, सब कुछ मिठाई डब्बी खिलाते, तो उसके लिए अभी ना वो होने के लिए अभी यहाँ पे सब प्रिपरेशन चालू है। अभी ये सब वो करेंगे, उसके बाद फिर दूल्हे आएंगे। यहाँ पे दो दूल्हे हैं, एक मेरे मामा भी हैं और एक और है, क्योंकि आज के दिन ना दो लोगों की शादी है, तो उसके देखो ये सब चद्दर वजह सब कुछ ये अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस ये वो गांव है, ये वो गांव है जहाँ पे हम लोग आए हैं बाराती बन के। ये देखो यहाँ से यहाँ पे इतना अच्छा, आपको पता है यहाँ पे सनसेट भी होने वाला है, अभी 4:30 बज रहा है, सनसेट होने वाला है यहाँ पे। वो देखो बफेलो, और अभी ना यहाँ एक रस्म है मलिदा खिलाई वाला, वो वहाँ पे होने वाला है। ये देखो यहाँ पे सब लोग भी है, यहाँ पे मेरे घर वाले बैठे हैं, यहाँ पे वो लोग हैं, अभी सब सेटअप कर रहे हैं। ये देखो, और अभी कुछ टाइम के बाद जो दूल्हे हैं मेरे मामा, मतलब वो भी आए। ये देखो ये जो खड़े हैं यहाँ पे हैंकरशिप लेके, वही है मेरे मामा जिनके यहाँ शादी है, और ये उनके भाई नूरू मामा मेरे। और ये देखो यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा, अभी खड़े होगा यहाँ पे। ये देखो गाइस ये अभी सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, और देखो दो दूल्हे हैं वो लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे जो दो दूल्हे लोग थे वो लोग को माला चढ़ा रहे हैं, और जो उनके बाजू में भी जो सब लोग बैठे थे ना वो लोग को भी चढ़ा रहे हैं। अभी वो जो माला था ना वो हमने निकाल दी है, क्योंकि बहुत ज्यादा उलझन हो रहा था। और अभी ये देखो अभी गुलाब जामुन खिला रहे हैं, ये भी एक रस्म होता है हमारे यहाँ। ये देखो अभी दोनों लोग को गुलाब जामुन खिला रहे हैं। रसम था जो कि अभी हुआ, और अभी दोनों दूल्हे लोग चले गए हैं। ये देखो ये सब गिफ्ट में मिला था, ये देखो ये बुके, ये भी है, और पूरा बैग वो सब जो रखा है ना वो मिला है मेरे मामा को, ज्यादा तो पूरे बैग ही भरे पड़े यहाँ पे। सब रसम करके हो चुका है, तो अभी हमारा टाइम है घर जाने का दुल्हन को लेके। तो अभी हम लोग सब लोग बाहर खड़े हैं घर के, देखो यहाँ पे दोनों लोग यहाँ पे खड़े हैं। अभी ये देखो हमारी गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और जो मेरी मामी है वो थोड़ी देर के बाद आएंगे विदाई करके। और ये देखो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। अभी ना मेरा हम लोग आ चुके हैं, हमें कपड़े पूरा चेंज कर दिए, अभी कपड़े चेंज कर दिए। और आपको पता है एक बैड न्यूज़, हम लोग इतना लेट यहाँ पे पहुँचे, पूरा जो रस्म है ना पूरा सब हो चुका है, और हम लोग ना शूट भी नहीं कर पाए। मेरे को पूरा देखने का था, शूट भी करने का था, आप लोगों को भी दिखाने का था, क्योंकि हर एक कास्ट का हर एक स्टेट का जो रिवाज है ना वो अलग होता है शादी का, तो सबका अलग होता है, आप लोग का भी अलग होता होगा, मेरा भी अलग हो जाता था, मेरे को वो दिखाने का था। वैसे तो आप लोग कपड़े चेंज कर चुके हैं, मगर ये जो है ना वो अब तो चेंज ही नहीं करे, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ना ये धुला है।